अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकास अहमद, आप देख रहे हैं हंटर्स ट्रेल की एक वीडियो। दोस्तों भाइयों, आज आपके भाई ने एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बाय की थी और मैंने सोचा कि अपने भाइयों के साथ वो शेयर की जाए। तो दोस्तों प्रोडक्ट कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन आप दोस्तों के साथ करते हैं शेयर, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मैंने एक कैमरा बाय किया है, ये सोनी का एक कैमरा है, तो इसका नाम है ZV-E10 Mark II के नाम से। तो आप ये देख रहे हैं सोनी ZV-E10 Mark II, ये मैंने दुबई से परचेज किया है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। और हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं मलक खालिद साहब, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया और वो मेरे लिए स्पेशल ये लेकर आए। तो बाकी इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ निकलता है। तो वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों ये हमने कर लिया ओपन, इसके ऊपर हमें एक मिला है कूपन कोड, ये कूपन कोड देखते हैं। तो दोस्तों ये कूपन कोड नेक्स्ट परचेजिंग पे हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये संभाल के रखना होगा क्योंकि अभी मुझे इसका माइक चाहिए, तो माइक जब मंगवाना हुआ तो ये यूज करेंगे। उसके बाद इसके साथ हैं कुछ इंस्ट्रक्शन बुक, मैनुअल बुक, ये अलग अलग लैंग्वेज में है, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, मतलब कि 4-5 उन्होंने दी हुई हैं। तो हम पहले एक पढ़ लेते हैं जो इंग्लिश में हो। हाँ दोस्तों ये इंग्लिश में, और इसमें बताया गया इसके साथ क्या कुछ है। नहीं पढ़ने का कोई फायदा नहीं, हम इसको खुद ही चेक करते हैं। दोस्तों बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दोस्तों ये हमारा ब्यूटीफुल कैमरा आप देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। इसके मैं शॉर्ट्स अच्छे से लेकर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये इसके साथ किट लेंस इसी के साथ है, और इसको करते हैं साइड पे। उसके अलावा इसमें देखते हैं क्या है, ये इसकी एक अदर मैगजीन कसम से गन्नों का चला चला के ना दिमाग घूम गया होगा। तो एक अदर इसकी बैटरी, और दोस्तों एक इसका विंडशील्ड, मतलब इसको माइक के ऊपर लगाने के लिए, ताकि हवा में जो नॉइज होती है वो छट छट की जो आवाज़ें होती हैं वो ना आए। उसके बाद ये एक इसका स्ट्रैप है गले में आई थिंक डालने के लिए और कैमरे को कैरी करने के लिए। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तो इसके साथ केबल दी गई है, ना ही चार्जर और ना ही मेमोरी कार्ड, तो सरासर ज्यादती है। और खैर कोई नहीं, इसको कहते हैं साइड पे। तो दोस्तों भाइयों ये रहा मेरा ब्यूटीफुल कैमरा।
दोस्तों हमने सोचा कि यार वीडियो तो हम काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, तो अपने वीडियो क्वालिटी को थोड़ा एक स्टेप ऊपर लेकर जाया जाए, तो उसी को सोचते हुए हमने ये कैमरा अपने कलेक्शन में ऐड किया कि यार इस बार ना मोबाइल से तो बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, तो हम इस बार DSLR ऐड करते हैं। तो काफ़ी चॉइस सर्च करने के बाद मुझे फिर ये ZV-E10 Mark II कैमरा पसंद आया और इसको मैंने परचेज किया। तो अब हम करते हैं इसको सेटअप, पहले इसको ऑन कर लें। तो दोस्तों इसका रिव्यू फिर कभी करेंगे, अभी पहले ये इसकी बैटरी बैटरी करते हैं इंस्टॉल। दोस्तों ठीक हो गया, ये इसका विंडशील्ड, हाँ ये इसकी विंडशील्ड। लो दोस्तों अभी इसको करते हैं ऑन, ये देखें ऑन हो गया, सॉरी इसका वो कवर तो आने वाला बाकी, ये दोस्तों ये देखें ये मेरा भाई आप देख रहे होंगे। अभी दोस्तों इसको करते हैं कैमरे को करते हैं शिफ्ट, अभी मोबाइल से कैमरे पे शिफ्ट होते हैं और फिर इसकी क्वालिटी हम आपके साथ शेयर करते हैं ये कैसा है। तो करते हैं कैमरे की तरफ। तो दोस्तों अब हम शिफ्ट हो गए हैं अपने कैमरा के ऊपर, ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सोनी ZV-E10 Mark II के ऊपर है और अभी इसकी हमने कोई भी इंटरनल सेटिंग चेंज नहीं की और ये ऑटो फोकस के ऊपर जो ऑटो इसकी सेटिंग है उसके ऊपर चल रहा है। तो अभी आप मुझे देख के बताएं कि रिजल्ट इसका कैसा है और इसकी शार्पनेस और मेरे चेहरे के हाव भाव और जो मेरा साइड से बैकग्राउंड है वो कैसा है, और इसमें एक ऑप्शन है डी फोकस का, मैं वो भी ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने डी फोकस का जो बटन है वो दबाया, तो अभी इससे ये क्या होगा हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लर्ड हो जाएगा, तो इसकी मज़ीद अच्छी सेटिंग के लिए हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी बस मकसद है कि देखना कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो उम्मीद है इससे बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड होगी, और ये मैंने बेसिकली लिया हंटिंग के लिए तो ले लिया, उसके बाद ये इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने का मेन मकसद जो है वो मेरा है बिजनेस, क्योंकि हर साल हम फोटोशूट करवाते हैं बाहर से, तो जो हमारी प्रोडक्ट आती है जैकेट आती हैं कोट आते हैं तो हम मॉडल हायर करते हैं, तो वो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस बार हमने सोचा कि यार क्यों ना हम एक ऐसा कैमरा बाय करें जिसके ऊपर हमारी हंटिंग भी कवर हो जाए और हमारा जितना भी हंटिंग कंटेंट है जिसमें अनबॉक्सिंग करता हूँ रिव्यू करता हूँ वो सारा कवर हो जाए, और उसी के साथ साथ मेरा जो ये बिजनेस है और इसी से बाहर हैं, बिजनेस होगा तो ये सारे शौक पूरे होंगे, तो उसके लिए हमें ना एक कैमरा चाहिए था वो आपके सामने है। तो बाकी दोस्तों अभी इसके साथ माइक भी अटैच है तो ये आवाज़ अभी उसी से आ रही है, नॉइज़ कैंसलेशन मैंने ऑन की हुई है। अभी वैसे हम इसका जो अपना माइक है हम वो टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये इसका जो कैमरे की अपना जो माइक है उससे रिकॉर्डिंग हो रही है, और जो हमने वायरलेस माइक लगाया हुआ था वो हमने उतार दिया है। तो अब मुझे बताएं कि इसका रिजल्ट कैसा है, इस के जो अभी ऑडियो क्वालिटी आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट कैसा है। तो बाकी दोस्तों ये वीडियो है और इसके मैंने कुछ शॉर्ट रिकॉर्ड किए हैं रैंडम शॉर्ट, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो अभी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आएंगी वो हमारी कोशिश है इसी के ऊपर रिकॉर्ड हो। तो अभी अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, करते हैं टाटा। तो दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं और ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा छोटा भाई बरार, और ये सारा अभी जो हम ये सेल्फी वीडियो बना रहे हैं और ये अभी ZV-E10 Mark II के ऊपर हम बना रहे हैं, तो ये आउट ऑफ के रूम से बाहर हम आउटडोर में टेस्ट कर रहे हैं, और रूम के अंदर इसका रिजल्ट कुछ अलग है और इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, और अगर हम वो सेटिंग को आस्ता आस्ता समझेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसका रिजल्ट हमें बेहतर से बेहतर मिलेगा। तो बाकी आप हमें कमेंट में लाजिम बताएं कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो अभी मैं कुछ तस्वीरें भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, आप उनकी क्वालिटी भी बताएं। कुछ मैंने रैंडम तस्वीरें ली हैं हमारे घर के बच्चों की और कुछ मेरी हैं, तो आपका भाई वैसे भी है थोड़ा प्यारा है तो आप उसको भी मद्देनजर रखें। Kebab, onion, chicken.